अस्सलाम वालेकुम, मैं हनी महबूब अहमद और हमारी इस ट्रिप का है लोकेशन मनाली, और मनाली को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम अभी निकल चुके हैं जयपुर से मनाली की तरफ और ये यात्रा हमारी 700-750 किलोमीटर की रहेगी। अभी हमने कुछ देर के बाद यहाँ पर स्टे करा है हरियाणा वाले रोड पर। हम हैं अभी हरियाणा वाले रोड पर और अभी बज रहे हैं 4 के करीब। फ्रेंड, अभी हमें अंबाला रोड पर और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर बरसात का नज़ारा और रोड दोनों साथ में दिख रहा है। अभी हम अंबाला से आगे ही रोड पर निकले हैं। ये रोड 300 किलोमीटर का है, जो सीधा कह दो और टेढ़े मेढ़े रोड भी हैं इसमें, पर ये एक सीधा रोड है। ये है मनाली पर जो हमने स्टे करा है। यहाँ की सनराइज़ का व्यू आप देखिए, कितना प्यारा लग रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर से सूरज उगता हुआ और यहाँ पर ट्रक और एक सुकून सा है, शोर शराबे से थोड़ा दूर। और यहाँ हमने राज भोग के अंदर थोड़ा स्टे करा है। उसके स्टे करने के बाद हम फिर से मनाली की ट्रिप के लिए रवाना होंगे। तो आप वीडियो में इसी तरह बने रहें। तो मैं अभी पंजाब के रोड पर पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। अभी हम पंजाब में रुके हैं थोड़ा चाय वाय के लिए, नाश्ता वाश्ता कर लें, उसके बाद फिर से अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। और है टी की दुकान जिस पर हम रुके हैं। भैया वेलकम। और गर्मी बहुत ज़्यादा है पंजाब में, पर फिर भी हम इसको कवर करते हुए मनाली की ट्रिप को कवर करेंगे इंशाल्लाह। यह है पकोड़े वाले, सी में पकोड़े वाले। ये भाई की थोड़ी स्पीड देखिए, इनकी पालक काटने में बड़ी स्पीड है। और ये बना रहे हैं पकोड़ा, बना रहे हैं भाई, और इसमें गोभी वोभी पालक वाला प्याज व्याज डाल के भैया इसको तैयार करेंगे। आप देखिए, ये इस तरह से दिखेगा आपको बनने के बाद लास्ट व्यू। तो हमारी अभी चाय आ चुकी है, हम चाय का नाश्ता करेंगे और कुछ स्नैक्स के साथ। ये कुआ है और मुझे लग रहा है जहाँ तक ये बड़ा ही होंडा है। इसको पर मैं पास से जाके देखूँगा कितना होंडा है। ये तो ज़्यादा ही होंडा है। ये है जो होटल जहाँ हम अभी रुके हैं, इसका व्यू आप देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से बना रखी है इस होटल को रोड के ऊपर। तो हम अब निकल चुके हैं चंडीगढ़ वाले रोड के लिए, और तो फाइनली हम हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस गेट पर आ चुके हैं और यहाँ से ही लगभग हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। और इसके बाद चढ़ाई है जिसको हमें पूरी करनी है मनाली के लिए। ये व्यू देखिए आप, नहर और ऊंचाई और पहाड़ और रोड, बड़ा ही एक अच्छा नज़ारा दिखता है। ये हम अभी मंडी वाले रोड पर हैं जो मनाली से पहले पड़ता है। हिमाचल में बहुत सारी टनलें दिखेंगी क्योंकि ये पहाड़ों पर बसा हुआ है, तो इसको आसान करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने टनल का रास्ता लिया है। ये देखिए आप कितनी ऊंचाई पर, अभी हम पहुँचे नहीं हैं पर फिर भी ऊंचाई देखिए कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई है। ये व्यू देखिए सच्ची में बहुत ही शानदार लग रहा है। देखने पर मैं कैमरे के अलावा देखूँ तो बड़ा ही शानदार दिख रहा है ये, पर आपको कैमरे में कैसा दिख रहा हो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली हम मनाली में एंटर कर चुके हैं। अब मनाली के अंदर हम सिटी में हैं और मनाली के अंदर हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन कुछ किलोमीटर पर है। और अभी हमें वक्त लगेगा, पर ये मनाली का रात का व्यू, ये देखिए आप पहाड़ों पे टिमटिमाती लाइटें चमक रही हैं और मैं उसको देख रहा हूँ। फाइनली हम होटल पे आ चुके हैं। हमारी होटल का नाम कृष्णा रेसिडेंसी है
और अब हम आराम करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। गाइस हम मनाली तो आ गए पर मनाली का रास्ता बड़ा ही डेंजर था। आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि नई जगह पर नए ख़तरे ज़रूर होते हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ड्राइवर को हायर करें और कोई ऐसा ड्राइवर को हायर करें जो जगह पर पहले हो के आ चुका हो। तो दोस्त बड़े थक गए हैं, बॉडी हर जगह से पेन कर रही है, तो अब कुछ और ना करके सीधे खाना खा के बस अब सोएंगे और सुबह के व्यू को आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।